कैसे हो आप लोग। जर्नी इन नेचर व्लॉग्स के नए वीडियो में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जानकी बीच की खूबसूरती देखने में बहुत ही मजा आया। दोस्तों, हम जानकी बीच घूमकर वापस घर जा रहे हैं, लेकिन घर जाने तक का जो रास्ता है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। इस रास्ते पर आने वाले खूबसूरत नजारे हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ से जानकी बीच का पानी दिखाई दे रहा है। रास्ता एकदम कच्चा है, फिर भी हमें बहुत ही मजा आ रहा है। जंगलों के रास्तों पर भी ड्राइविंग करने का बहुत ही मजा आता है। दोस्तों, अभी गर्मी भी बहुत ही लग रही है। टेम्परेचर की बात करें तो अभी का टेम्परेचर है 44 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच सकते हैं कि गर्मी कितनी ज्यादा होगी। लेकिन हम जैसे ही ऐसे खूबसूरत नजारे को देखते हैं, गर्मी होने का बिल्कुल एहसास नहीं होता है। सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक आ रहा है। दोस्तों, हमने इस लेक का भी वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही हम पानी के करीब आ गए हैं, गर्मी लगनी कम हो गई है। एरिया में आप कहीं भी जाओगे, आपको ऐसे खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम सैलोड, ठूटी और नंझल भी जाकर आए हैं। वहां पर भी आपको कई सारे ब्यूटीफुल नेचुरल सीन देखने को मिलेंगे। सामने एक ट्रैक्टर खड़ा है। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी करने के लिए भी यही पानी का उपयोग करते हैं। देखो दोस्तों, कितना खूबसूरत घर है। ये घर स्पेशली कैटल्स यानी कि पशुओं के लिए बनाया गया है, ताकि पशुओं को गर्मी से राहत मिल सके। देखो दोस्तों, सामने कितना ब्यूटीफुल नेचुरल सीन दिख रहा है।
रास्ते में आने वाले हरे हरे खेत इस रास्ते की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। आप देख सकते होंगे कि रास्ता कितना खतरनाक है। अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी भटकता है तो एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जो सारा एरिया है वो बारिश के पानी में पूरा पानी से भर जाता है, उसके बाद यहाँ पे आना मुश्किल हो जाता है। अब हम थोड़े से अच्छे रास्ते पर आ गए हैं। जैसे हम थोड़े आगे जाएंगे मेन हाईवे आ जाएगा। दोस्तों हम मेन हाईवे पर आ चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस और ट्रैवलिंग से जुड़े वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।